दोस्तों, इन दिनों अंधभक्तों की कमी नहीं है, लेकिन अंधभक्तों के सरदारों की भी कमी नहीं है कि कैसे अंधभक्त के सरदार जो है वो जहर और नफरत फैलाने के लिए एक से बढ़कर एक कोशिश कर रहे हैं। उनमें सबसे नया नया नाम जो उभर कर आ रहा है दोस्तों, वो परेश रावल का है। हालांकि उनके विवादित बयान पहले भी सुने हैं, लेकिन इस बार अंधभक्ति की उन्होंने सारी प्रकाष्ठा जो है वो पूरी तरीके से पीछे छोड़ दी है। और एक पार्टी को जिताने के लिए, यानी कि अपनी पार्टी को जिताने के लिए, जब से वो सांसद बने हैं तब से वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और इसी एड़ी चोटी के जोर में वो बुरी तरीके से घिर गए हैं, क्योंकि परेश रावल की जो इतनी ज्यादा भद पिटने वाली है, शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा। जो उन्होंने बयान दिया, वो बयान तो उन्होंने दे दिया, लेकिन उस बयान के पीछे जो बवाल शुरू हुआ है वो परेश रावल के लिए मुसीबतों का पहाड़ बनकर उमड़ा है। क्योंकि अब परेश रावल के खिलाफ FIR दर्ज की गई है दोस्तों, शिकायत दर्ज कर दी गई है, जिस बंगालियों को जिन लोगों के खिलाफ ये विवादित बयान दे रहे थे, मजाक बना रहे थे, अब उन्हीं ने इनके खिलाफ जबरदस्त तरीके का एक्शन दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा नेता परेश रावल की मुश्किलें अब बढ़ सकती है, क्योंकि कलकत्ता के थाने में माकपा नेता सलीम ने परेश रावल के खिलाफ शुक्रवार यानी कि 2 दिसंबर 2022 को शिकायत दर्ज कराई है। बंगालियों के लिए की गई टिप्पणी को लेकर वो गुस्से में है। पुलिस का कहना है कि विवेचना के बाद केस दर्ज होगा। माकपा पश्चिम बंगाल के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने यह आरोप लगाया है कि परेश रावल की टिप्पणी भड़काऊ थी और ये दंगे भड़का सकती है और बंगाली और अन्य समुदायों के बीच सद्भाव को बिगाड़ सकती है, जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है। पुलिस में शिकायत करते हुए सलीम ने कहा है कि भाजपा नेता परेश रावल की बंगाली विरोधी टिप्पणियों से देश के अन्य प्रांतों के लोगों में बंगाली विरोधी भावना पैदा हो सकती है। वो बंगालियों से नफरत कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने टिप्पणी दिया था वो बेहद अशोभनीय था, निंदनीय था, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि इस देश में हिंसा भी फैल सकती है, जिस तरीके का बयान परेश रावल की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा प्रवासी बंगालियों को कई तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। सलीम ने ऐसी टिप्पणियों के लिए परेश रावल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सख्त सजा की मांग कोलकाता पुलिस से कर दी है। माकपा नेता ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से परेश रावल ने अपने भाषण में बंगालियों के विषय को उठाया, उसे लगता है कि देश में सभी बंगाली बांग्लादेशी या तो रोहिंग्या हैं। ऐसी संभावना है कि विदेशों में रहने वाले बंगाली भी अलग अलग तरीकों से प्रभावित होंगे। बड़ी संख्या में बंगाली बंगाल के बाहर और अन्य राज्यों में रहते हैं। इस तरह की टिप्पणी उन्हें खतरे में डालने के लिए काफी है, क्योंकि जब एक मंच पर एक सभा में इस तरीके का बयानबाजी दिया जाता है तो उसके बाद लोगों के बीच, उनके सपोर्टर्स के बीच किस तरीके का मैसेज जाता है, ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं। दोस्तों, हेट स्पीच का मामला भी आपने देखा ही है कि कैसे हेट स्पीच के मामले के बाद कई बार जो है जमीनी तौर पर हत्याएं हुई, दंगा भड़का, पथराव हुआ, ये सब कुछ हुआ हेट स्पीच के बारे में। जब लोगों को उकसाने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि मारो उनको, गोली मारो, फलाना करो, तलवार उछालो, ये तमाम बातों के बाद जो एक्शन हुआ है वो आपने देखा कि कैसे पत्थर फेंका गया, फिर दंगे भड़के, ये तमाम चीज़ें हुई है। उसी तरीके से परेश रावल ने जो गुजरात में बयान दिया, उससे ये जो जिन्होंने शिकायत किया उनका कहना है कि ऐसी दंगा भड़क सकती है, ऐसे हिंसा हो सकते हैं, जिस तरीके का परेश रावल की तरफ से जो बातें कही गई है उससे दो समुदाय के बीच जो है वो फासला हो सकता है, खाई बढ़ सकती है और वो लोग एक दूसरे पर हमलावर भी हो सकते हैं। दोस्तों, परेश रावल आप सभी जानते हैं हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में से एक है, हुआ करते थे मेरे ख्याल से, तो मेरी नज़रों में, क्योंकि दिग्गज कलाकारों की जो भाषा होती है वो इस तरीके की नहीं होती। देश में नफरत फैलाने के लिए दिग्गज कलाकार नहीं होते, देश में प्यार बांटने के लिए उनकी अपनी एक्टिंग से लोगों को मोहने के लिए होते हैं। लेकिन आज एक्टिंग की भी अलग राजनीति हो गई है, एक्टर भी अब राजनीति करने लग गए हैं जब से वो सांसद बने हैं, और सांसद बनने के बाद तो उनके मुख से बढ़कर एक जो है जहरीले बयान सामने आते रहे हैं। वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आज पहली बार उन्होंने बंगालियों को, रोहिंग्यों को लेकर बयान नहीं दिया। इससे पहले भी धार्मिक स्थलों को लेकर उनकी टिप्पणियां काफ़ी सुर्खियों में रही है। देश दुनिया में चल रहे मुद्दों को लेकर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर इतना हमलावर रहते हैं परेश रावल कि उनका ट्विटर अकाउंट खंगाल लीजिए, उनको पता चल जाएगा, आपको भी दिखाई दे देगा कि कितना क्या सोचते हैं।
एक पार्टी में रहना, राजनीति करना अलग बात होती है, लेकिन नफरत करना ये अलग बात है दोस्तों। क्योंकि आप किसी से नफरत इस हद तक कर रहे हैं कि आप अपनी भाषणों में, अपनी रैलियों में इस तरीके की बातें कर रहे हैं जिससे लोगों के बीच हिंसा और नफरत फैल सके। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में परेश रावल ने एक बयान दिया था, कल भी मैंने आपको वो खबर दिखाई थी, जिसके लिए उनको माफ़ी तक मांगनी पड़ी। लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना जिसके लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़े। इसके बावजूद भी FIR अब परेश रावल के ऊपर दर्ज कर ली गई है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब उन्होंने अपने बयान से हंगामा ना मचा दिया हो, पूरे देश में हंगामा बरपाया है इससे पहले भी। वो इससे पहले ऐसे बयान कई बार दे चुके हैं। परेश रावल ने साल 2017 में राजकोट रिंग रोड पर बीजेपी के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान सभा को संबोधित करते हुए राजा रजवाड़ों की तुलना बंदरों से कर दी थी। अपने भाषण के दौरान वो सरदार पटेल के योगदान पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एक किया था, ये राजा रजवाड़े जो बंदर थे उनको सही किया था, सीधा किया था। पटेल के बारे में ज्यादा नहीं लिखा गया, जबकि जेआरजी टाटा ने भी कहा था कि सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो देश कहां से कहां पहुंच गया होता। परेश रावल के इस बयान के बाद खूब बवाल हुआ था, उनके पुतले तक जलाए गए थे दोस्तों साल 2017 में। मामला बढ़ता देख परेश रावल ने फिर से माफी मांग ली, लेकिन उनकी जुबान जो है वो इतनी तेज हो गई है कि वो अपने विवादित बयान देते हैं फिर माफी मांग लेते हैं, होता कुछ नहीं है। जब होगा, कोई कार्रवाई होगी, कोई कठोर सजा होगा, तभी तो इनके मुख जो है वो बंद होंगे, तभी तो इनकी जुबान सिलेगी। नहीं तो ये बार बार इनका आदत है दोस्तों, ये इस तरीके की भड़काऊ बयान देते हैं जिसके बाद इनके पुतले वुतले जलने लगते हैं, लोग इनको गाली गलौज करने लगते हैं, इनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं। फिर जब इनको लगता है कि सर से ऊपर हो गया है पानी तो फिर ये माफी मांग लेते हैं। अब आपको याद दिलाते हैं साल 2014 का, किस तरीके से इन्होंने बयान दिया था और इस बयान के बाद भी कैसे जो है हंगामा बरपा था। साल 2014 में जब परेश रावल अहमदाबाद में भाजपा के लिए प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर बयान दिया था जो काफी चर्चा में था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार परेश रावल ने कहा था, ऐसा देखा गया है कि हिंदुओं के पूजा स्थल अन्य धर्मों के पूजा स्थलों की तुलना में सबसे ज्यादा गंदे होते हैं। उनके इस बयान को लेकर काफी चर्चा हुई थी। बाद में कहा गया कि उनका बयान स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिया गया था। दरअसल हाल ही में परेश रावल ने गुजरात के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के लिए वोट मांग रहे थे, प्रचार कर रहे थे और कह रहे थे कि गैस सिलेंडर महंगे हैं लेकिन उसकी कीमत कम हो जाएगी, बीजेपी को जिताइए उसके बाद आपको सिलेंडर के दाम कम में मिलेंगे। हालांकि सिलेंडर के दाम दोस्तों कम कब होंगे ये तो भगवान भी नहीं बता सकता, क्योंकि बीजेपी के शासन में इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है कि जो 75 साल में नहीं बढ़ा वो 8 सालों में बढ़ गया। लेकिन उनका कहना था, परेश रावल का, कि गैस सिलेंडर महंगे हैं, उसकी कीमत कम हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, गुजरात में रहने वाले लोग महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बाजू के घर में रोहिंग्या शरणार्थी या बांग्लादेशी आए तो गैस सिलेंडर का आप क्या करेंगे? आप इनको अपने आसपास आजू बाजू बसने ना दीजिए। अगर बीजेपी को चाहते हैं, बीजेपी इन लोगों को खदेड़ कर रखती है, तो इस तरीके का बयान दिया था। बंगालियों के लिए मछली पकाएंगे क्या? इस तरीके से उन्होंने कहा था कि जब आपके पास सिलेंडर सस्ता रहेगा और दूसरी सरकार आ जाएगी तो क्या आप बंगालियों के लिए मछली पकाएंगे जब बंगाली आपके बगल में आके बस जाएंगे? ऐसा लग रहा है बंगाली होना गुनाह हो गया है, पाप हो गया है इनकी नजरों में। तो ये इस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे। इस बयान के बाद बवाल मचा और बवाल मचने के बाद जो है भैया बाबू भाई वो पूरी तरीके से डर गए और डर इस तरीके से गए कि बाबू भाई ने माफी मांग ली और माफी मांग कर इतना ज्यादा वो कहने लगे कि हमारा ये मतलब नहीं था, हमारा वो मतलब नहीं था। लेकिन मतलब क्या था वो जनता ने देखा भी और बंगालियों ने सुना भी कि बंगालियों के लिए आपके दिल में कितनी प्यार है और कितना सम्मान है वो आप अपने भाषण में लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बंगाली आपके बगल में ना बस जाए, आप कह रहे हैं कि शरणार्थी आपके बगल में ना बस जाए, तो फिर आप चाहते क्या है? मतलब आप बंगालियों को अलग रख दें अलग कैटेगरी में, बिहारियों को अलग कैटेगरी में, मराठियों को अलग कैटेगरी में, सबके लिए आप कैटेगरी, मतलब आप खुद अपने शब्दों पर अगर गौर करेंगे तो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे आप लोगों के बीच खाई फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
वो आपके शब्दों से पता चल रहा है। लेकिन खैर उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन माफ़ी मांगने भर भी लोगों की जो भावना को जो ठेस पहुंचा है वो इस पर सीमित नहीं है। उन्होंने कहा है सीधे तौर पर कि इस परेश रावल को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी हम दम लेंगे, नहीं तो हम इनके खिलाफ पुलिस थाने का चक्कर लगाते रहेंगे। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ गणेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।